चलो फ्रेंड, चलिए सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, यूनिट 5 का। इसमें हम वार और कन्फ्लिक्ट यानी युद्ध और संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो युद्ध का अभिप्राय क्या होता है? दो राज्यों अथवा राजनीतिक इकाइयों के बीच हिंसक संघर्ष को युद्ध कहा जाता है। इसमें 1,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो। युद्ध संघर्ष से अलग है क्योंकि संघर्ष में हिंसा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार युद्ध राज्यों के मध्य संघर्षों का चरम स्तर है, जहां सेनाओं के मध्य सशस्त्र संघर्ष होते हैं। मार्टिन शाह ने युद्धों के अपहास का सिद्धांत दिया, यानी थ्योरी ऑफ रिडिकुलसनेस ऑफ वार, थ्योरी ऑफ रिडिकुलसनेस ऑफ वार। रेमंड आरो ने अतिसंयोक्ति परख युद्ध का सिद्धांत दिया, यानी हाइपरबोल थ्योरी ऑफ स्टेट, हाइपरबोल थ्योरी ऑफ वार। कार्डार ने नवीन युद्ध यानी न्यू वार की संकल्पना दी है। मैकियावेली, कौटिल्य, थुकिडिडेस इत्यादि विद्वानों ने युद्धों का विश्लेषण कर यथार्थवादी सिद्धांत दिया, यानी रियलिस्ट अप्रोच दी। दो पक्षों के मध्य किसी संसाधन पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हो सकता है। संघर्ष में पक्षों के मध्य विवाद को हल करने के लिए बातचीत का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी न्यायिक रूप में भी संघर्ष को हल करने का प्रयत्न किया जाता है, जबकि युद्ध के दौरान संघर्ष होना अनिवार्य नहीं। सीमित युद्ध यानी लिमिटेड वार क्या होता है? वर्तमान युग में घातक नरसंहार के हथियारों के कारण युद्ध अत्यधिक भयानक बन सकता है, इसलिए वर्तमान समय में युद्ध का स्वरूप पहले जैसा नहीं है। पहले के युद्धों में केवल सैनिकों के बीच युद्ध होते थे, लेकिन वर्तमान घातक नरसंहार के हथियारों के युग में सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी मारे जाते हैं। इसलिए आज के परमाणु हथियारों के युग में सीमित युद्ध की संकल्पना प्रचलित हो रही है। इसका अभिप्राय है कि राज्यों के मध्य छोटे युद्ध हो सकते हैं, व्यापक युद्ध नहीं होंगे। कर्डार के अनुसार वर्तमान युद्धों में भूमंडलीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब युद्ध मानवीय स्वरूप का हो गया है। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों की उपस्थिति, ऑक्सफोर्म, सेव द चिल्ड्रन, शरणार्थी संगठन इत्यादि की उपस्थिति ने मध्ययुगीन बर्बर युद्धों के दौर को समाप्त कर दिया। घातक नरसंहार के हथियार, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार तथा जैविक हथियारों को घातक नरसंहार के हथियार यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। इनकी विनाशक क्षमता बहुत ज्यादा है तथा इससे आम लोग भी मारे जाते हैं। वर्तमान समय में युद्ध के लिए संपूर्ण युद्ध, टोटल वार नामक शब्द प्रचलित है। वर्तमान समय में युद्ध की परिवर्तित प्रकृति, शीत युद्ध के दौरान युद्ध समानतः राज्यों के मध्य होते थे। शीत युद्धोत्तर यानी 1990 के दशक के बाद युग में युद्ध राज्यों के अंदर ही जारी है। उदाहरण के लिए सूडान में गृह युद्ध के कारण सूडान का विभाजन हो गया, और अफगानिस्तान में भी अभी भी आंतरिक निजाति संघर्ष बने हुए हैं। अब तो यहाँ तालिबान का शासन भी आ गया। वर्ष 1990 के बाद राज्यों के अंदर ही एथनिक स्ट्रगल यानी निजाति संघर्ष विद्यमान है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में तालिबानी राज्य के विरुद्ध संघर्ष कर क्या रहे हैं, तो कब्जा ही कर लिया है। नगारनो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य युद्ध हुआ। रूस के चेचनिया में भी अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। पूर्व युगोस्लाविया ने उत्तराधिकारी राज्य सर्बिया में स्लोबोदान मिलोसेविच अल्बेनियाई मूल के लोगों का नरसंहार किया। अभी भी ईरान, इराक तथा तुर्की के कुर्द अपने लिए एक अलग कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। माली में भी आंतरिक संघर्ष बना हुआ है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के निर्माण के लिए बलूच निजाती लोग संघर्ष कर रहे हैं। ग्रेग सिंडर और जॉन मलिक ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट इन मॉडर्न वारफेयर में लिखा है कि वर्तमान राज्य का स्वरूप 3 स्तर का है। प्रथम स्तर में वे राज्य आते हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं तथा सामाजिक आर्थिक कल्याण करते हैं, जैसे पश्चिमी देश। दूसरे स्तर पर वे राज्य आते हैं जो कुछ समय के लिए स्थायित्व धारण करते हैं और कुछ समय के लिए अस्थायित्व, जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तृतीय स्तर पर वे राज्य आते हैं जहां की केंद्रीय सरकार अपनी पहुंच और शक्ति खो चुकी होती है तथा जहां राज्येतर संगठन कार्य करते हैं यानी नॉन स्टेट एक्टर्स कार्य करते हैं, जैसे इराक, सीरिया एवं मध्य पूर्व के अन्य राज्य। आतंक के विरुद्ध युद्ध, वार अगेंस्ट टेररिज्म। 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने आतंक के विरुद्ध युद्ध का नारा दिया। इसी के अंतर्गत अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, जिसे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया। वर्ष 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने दुष्ट राज्यों की धुरी यानी एक्सिस ऑफ एविल का विचार दिया, जिसमें ईरान,
ईरान, इराक एवं उत्तर कोरिया को सम्मिलित किया। अमेरिका के अनुसार ये राज आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन राज्यों में होता है। पूर्व आशंका आधारित हमला, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, ये क्या है? इसके अंतर्गत एक राज्य दूसरे राज्य पर इसलिए हमला करता है कि दूसरा राज्य भविष्य में इसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जैसा कि वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया और यह कहा कि इराक रासायनिक हथियार बना रहा है तथा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 1991 में पहला खाड़ी युद्ध यानी फर्स्ट गल्फ वार, जिसमें अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का प्रयोग किया। वर्ष 2003 में अमेरिका ने दूसरी खाड़ी युद्ध आरंभ किया। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में हेंस ब्लिक्स की अध्यक्षता में इराक में हथियार निरीक्षण दल भेजा गया था, जिन्होंने यह स्पष्ट कहा कि इराक के पास किसी प्रकार के रासायनिक हथियार नहीं है। वर्तमान समय में सीरिया में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और अमेरिका के द्वारा सैनिक हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया जा रहा है युद्ध के कारण। तो पहला है मानवीय आक्रामकता, दूसरा है आर्थिक लाभ, तीसरा राज्य के भौगोलिक विस्तार की आकांक्षा। शांति निर्माण के उपाय, तो पहला है यथार्थवादी शांति निर्माण के लिए कूटनीतिक माध्यमों का सहारा लेते हैं, तो ये डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं कौन, रियलिस्ट, शांति निर्माण के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए। दूसरा उदारवादी शांति स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण के समर्थक हैं, तो जो लिबरल्स हैं ये इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के क्रिएशन को महत्वपूर्ण मानते हैं अगर शांति स्थापित करनी है तो। अतः उदारवादी सामूहिक सुरक्षा पर बल देते हैं, तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी पर बल देते हैं कौन, लिबरल्स। मार्क्सवादी आर्थिक समानता शांति स्थापना के लिए मूल माध्यम मानते हैं। कुछ तथ्य, तो पहला है माइकल वाल्जर ने न्यायपूर्ण युद्ध जस्ट वार थ्योरी की संकल्पना का विकास किया। वाल्जर ने जस्ट एंड अनजस्ट वार कोलन अ मोरल आर्गुमेंट विथ हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशंस 1977 नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्गुइंग अबाउट वार 2004 नामक रचना भी लिखी। लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1869 वार एंड पीस नामक पुस्तक लिखी और इसे 1869 में पहली बार पब्लिश किया गया था, लियो टॉल्स्टॉय। फिर एजे कोट्स ने द एथिक्स ऑफ वार 15 सितंबर 1997 नामक रचना लिखी। शीत युद्ध में ज्यादातर युद्ध राज्यों के बीच हुए, जबकि वर्तमान समय में ज्यादा युद्ध राज्यों के अंदर ही विद्यमान है। जातीय संघर्ष विद्यमान है यानी एथनिक कंफ्लिक्ट विद्यमान है, जैसे सूडान में संघर्ष, फिर युगांडा एवं रवांडा के संघर्ष। कार्लवान क्लाउ जेबिट्स ने अपनी रचना ऑन वार 1832 में लिखा कि युद्ध अन्य माध्यमों के द्वारा संचालित राजनीति। फिर मैरी कालडोर ने न्यू एंड ओल्ड वार कोलन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इन अ ग्लोबल एरा 1999 नामक पुस्तक लिखी। मार्टिन वेन क्रिबेल्ट ने द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वार 1991 नामक पुस्तक लिखी। विलियम कोहेन ने सैन्य क्रियाकलापों से क्रांति को युद्ध के रूप में वर्णित किया। डेविड जॉन किलकुलेन ने द काउंटरिंग ग्लोबल इंसर्जेंसी 30 नवंबर 2004 नामक पुस्तक लिखी। RMA का अर्थ है रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। माली अफ्रीका में इस्लामी कट्टरवादी जिनको अलकायदा का समर्थन प्राप्त है, जो सत्ता पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए फ्रांस ने अपनी सेना माली में भेजने का निर्णय लिया है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में प्रस्ताव पारित किया गया था, हालांकि अब फ्रांस ने अपनी सेना माली से वापस ले ली है। वर्तमान समय में वर्ष 2012 में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा माली में गैर राज्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। फिर वर्ष 2013 में आर्म्स ट्रेड ट्रीटी पर भारत ने वीटो कर दिया, जिससे अवैध हथियारों के आदान प्रदान पर रोक लगाई जाए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुरक्षा परिषद का समर्थन जरूरी नहीं है। स्विट्जरलैंड एवं वेटिकन सिटी राज्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। बुक्स कौन कौन सी है, मार्टिन व्हाइट, इनकी बुक क्या नाम है, इंटरनेशनल थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन। फिर नशाओ ए एडम्स, इनकी बुक का क्या नाम है, वर्ड्स अपार्ट द कोलन
नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। फिर शहर बानो, तजबक्स और अनुराधा चुनाव। बुक का क्या नाम है? ह्यूमन सिक्योरिटी कॉलन कॉन्सेप्ट्स एंड इम्प्लीकेशन। ह्यूमन सिक्योरिटी कॉलन कॉन्सेप्ट्स एंड इम्प्लीकेशन। तो इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका नाम, रीजन और लोकेशन क्या है ऑपरेशन की, इसको देखते हैं। तो पहला है अंसार अल सरिया, ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में टूनिशिया में है। फिर जापानीज रेड आर्मी, ये कहाँ है? एशिया में, जापान में। अब्दुल्ला अजम ब्रिगेड, ये कहाँ है? मिडिल ईस्ट में, इराक में। हकानी नेटवर्क, ये एशिया में है, अफगानिस्तान में। अंसार डाइन, ये अफ्रीका में है, माली। बोको हराम, ये नाइजीरिया में है। फिर अंसारो, ये नाइजीरिया में है। अंसार अल सरिया है, सरिया अंसार अल सरिया इन बेंगाजी, ये लीबिया में है। अंसार अल सरिया, ये लीबिया में है। अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, ये सऊदी अरेबिया में है, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया। फिर हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी हुजी, ये बांग्लादेश में है। फिर तहरीक तालिबान, ये पाकिस्तान में है। जुंदल्लाह, ये कहाँ है? ये मतलब इसका पूरा नाम क्या है? पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ईरान, PRMI, ये एशिया में है, ईरान में। फिर इंडियन मुजाहिदीन, ये इंडिया में है, हालांकि POK या पाकिस्तान से अपडेट करते हैं। जमा अंसरुत तौहीद जेट, जमा अंसरो अंसरुत तौहीद, ये एशिया में, इंडोनेशिया में है। फिर लीबियन इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप, ये कहाँ है? लीबिया में है। इस्लामिक जिहाद यूनियन, ये उज्बेकिस्तान में है। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, ये बांग्लादेश में। अल सबाब, ये सोमालिया में है। कताइब हिजबुल्ला, ये इराक में है। फिर जमा इस्लामिया ऑर्गेनाइजेशन, जमा इस्लामिया ऑर्गेनाइजेशन इंडोनेशिया में है। लश्करे झनगवी, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर अलकायदा कुर्दिश बटालियन, ये इराक में है। जैसे मोहम्मद आर्मी ऑफ मोहम्मद जिम, ये पाकिस्तान में है। लश्कर ए तैयबा आर्मी ऑफ राइटियस लिट, ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। सिनिंग पाथ सेंडेरो लुमिनोसो, ये कहाँ है? पेरू में है। फिर अलकायदा वर्ल्ड वाइड है, कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, सऊदी अरेबिया में भी है। हिजबुल्ला पार्टी ऑफ गॉड, ये लेबनान में है। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम लिट्टे, ये कहाँ है? श्रीलंका में। अबू निदल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है? फिलिस्तीन टेररिस्ट, फिर फिलिस्तीन में है ये कम से कम, ये मतलब कुल मिला के फिलिस्तीनियन टेररिस्ट हैं ये। अबू सयाफ ग्रुप, ये कहाँ है? फिलीपींस में। हमास इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, ये भी फिलिस्तीनियन टेररिस्ट हैं। हरकत उल मुजाहिदीन, ये पाकिस्तान में है। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ISIS, ये लेबनान पहले था, अब इराक लीबिया और सीरिया से ऑपरेट करता है। शस्त्र नियंत्रण आर्म्स कंट्रोल, ये क्या होता है? शस्त्र नियंत्रण का अर्थ है कि हथियारों के प्रयास को, हथियारों के प्रसार को रोकना, तो स्प्रेड ऑफ वेपन्स शुड बी स्टॉप्ड। निःशस्त्रीकरण का विचार आदर्शवादी है, यानी डिसआर्ममेंट का जो विचार है ये आइडियलिस्ट है, जिसके अनुसार समूचे विश्व को किसी प्रकार के हथियार, इसके अनुसार समूचे विश्व से सभी प्रकार के हथियार समाप्त होने चाहिए। शस्त्र नियंत्रण एक व्यवहारिक विचार है जिसके द्वारा हथियारों के प्रसार को रोका जाता है, जबकि निःशस्त्रीकरण एक आदर्शवादी विचार है जिसके द्वारा समूचे हथियार विश्व से समाप्त हो जाने चाहिए। विश्व में शस्त्रों के नियंत्रण तथा शांति निर्माण के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक उपाय किए गए हैं। शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता तब और बढ़ गई जब शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वार स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव का नारा दिया, जिसके द्वारा अमेरिका ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली का विकास करने की योजना बनाई। इसी संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश यानी म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड की संकल्पना आई। इस संकल्पना के अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के मध्य युद्ध संभव नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा सभी का विनाश होगा। इन परिस्थितियों तथा परमाणु हथियारों के विकास को देखते हुए विश्व में शस्त्र नियंत्रण को आवश्यक माना गया। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने शांति के लिए परमाणु एटम फॉर पीस का नारा दिया। शांति के लिए परमाणु एटम फॉर पीस एटम
और पीस सशक्तिकरण योजना आइजनहावर ने वर्ष 1953 में प्रस्तुत की, जिसके तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही। सशक्तिकरण के प्रयास, डिसआर्ममेंट के प्रयास पहले आती है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी ये 1963 में आती है। तो इसमें आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के अंतर्गत भूमिगत परमाणु परीक्षण के अलावा अन्य सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया था। फिर दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967 में आती है। दुनिया में परमाणु हथियारों की रोक के लिए वर्ष 1968 में नई संधि आई, जिसका नाम परमाणु अप्रसार संधि था। इसका उद्देश्य है परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग, परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना, समूचे विश्व में परमाणु हथियारों की समाप्ति। एनपीटी के मूल प्रावधान, पहला है इस संधि द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों का निर्धारण किया गया। इसके अनुसार वे राज्य जिन्हें 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है वे परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे। तो जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है वे न्यूक्लियर पावर देश कहलाएंगे। फिर इस संधि द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 5 परमाणु संपन्न देश अपने परमाणु ईंधन या तकनीक उन देशों को प्रदान नहीं करेंगे जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तीसरा है जिन देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने परमाणु ईंधन और तकनीक प्रदान की, लेकिन उन देशों के परमाणु संयंत्रों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा होगी। एनपीटी के लिए परमाणु मुक्त देश का, परमाणु मुक्त क्षेत्र का प्रावधान किया गया, न्यूक्लियर फ्री एरिया का प्रावधान किया गया। एनपीटी के अनुसार दुनिया से परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए 5 वर्षों में संधि का पुनर्लोकन होगा, यानी इसको रिव्यू किया जाएगा। वर्ष 1970 में यह संधि लागू की गई थी और वर्ष 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। तो अनिश्चित काल तक के लिए इसे लागू कर दिया गया 1995 में। एनपीटी में 2 प्रकार के राज्यों की संकल्पना है, पहली परमाणु शक्ति संपन्न, इन राज्यों का निरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा नहीं होगा। दूसरा गैर परमाणु शक्ति राज्य, कि इन राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA द्वारा जांच होगी। तो एक कैटेगरी होगी न्यूक्लियर पावर्ड नेशन, तो इनकी IAEA द्वारा निगरानी नहीं होगी। जो नॉन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज होंगे उनकी IAEA द्वारा जांच होगी। इस संधि में क्षैतिज परमाणु प्रसार को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर स्प्रेड का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब उसको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है जिसमें परमाणु शक्ति संपन्न देशों को संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो मतलब अगर जो 5 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं अगर वो अपना न्यूक्लियर विस्तार करना चाहें तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं, वर्टिकल नहीं होगा, माने कोई अब नहीं करेगा, लेकिन जो जिन्होंने कल लिया है वो कर सकते हैं, ऐसा है। भारत की आपत्ति, तो भारत की क्या समस्या है, तो भारत की आपत्ति क्या है इसमें, भारत परमाणु हथियारों का विरोध करने के बावजूद, परमाणु हथियारों का विरोध करने के बावजूद भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने इस संधि पर निम्नलिखित आपत्तियां उठाई, पहली भारत ने सशक्तिकरण का समर्थन किया जबकि एनपीटी परमाणु अप्रसार की संधि है। दूसरा यह संधि अत्यधिक भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, परमाणु शक्ति संपन्न और गैर परमाणु शक्ति संपन्न। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक राष्ट्र को एकमात्र एक समान इकाई माना जाता है। तीसरा इस संधि द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों का परमाणु हथियारों पर विशेष अधिकार बनाए रखने का प्रावधान किया गया है और गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के लिए इसमें सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। चौथा है यह संधि मूलतः तकनीकी हस्तांतरण में बाधा है। संधि में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि परमाणु क्लब में सम्मिलित राज्य अपने परमाणु हथियारों की कटौती करेंगे या नहीं। पांचवा यद्यपि उपरोक्त आपत्तियों के बावजूद उस संधि पर हस्ताक्षर न करने का सबसे बड़ा कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरा था। छठवां है एनपीटी पर इराक ने हस्ताक्षर किए हैं, उत्तरी कोरिया ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया किंतु 2003 में उत्तर कोरिया ने एनपीटी से अपने आप को अलग कर लिया। सबसे अच्छा उत्तर कोरिया ने ही किया, नॉर्थ कोरिया ने बहुत अच्छा काम किया कि पहले परमाणु तकनीक उसने ले ली, सब सारी चीजें सीख ली, जब उसको लगा कि अब हम बना सकते हैं तो उसे अलग हो गई। यह उल्लेखनीय भी है कि भारत पाकिस्तान इजराइल
ने अभी भी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के पास तो है ही परमाणु हथियार, ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास भी हैं। तीसरा है सामरिक हथियारों को प्रतिबंधित करने की संधि, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1, ये 1972 में आती है। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह संधि संपन्न हुई, जिसके अंतर्गत सामरिक हथियारों को सीमित करने का समझौता किया गया, क्योंकि 1960 के दशक के बाद अमेरिका के पास 30,000 परमाणु हथियार और वर्ष 1980 तक सोवियत संघ के पास परमाणु हथियारों की कुल संख्या 40,000 थी। सामरिक हथियारों को सीमित करने का समझौता साल्ट सेकंड 1979 में हुआ, परंतु यह लागू नहीं हो सका। साल्ट फर्स्ट ये 1972 में आता है, साल्ट सेकंड 1979 में आता है, लेकिन ये लागू नहीं हो सका था। चौथा, रासायनिक एवं जैव हथियारों पर नियंत्रण। तो वर्ष 1972 में 100 से ज्यादा देशों ने जैव हथियारों के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत जैविक हथियारों का उत्पादन, विकास एवं नियंत्रण प्रतिबंधित है। वर्ष 1992 में रासायनिक हथियारों के उत्पादन एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रकार लगभग 175 देशों ने हस्ताक्षर किए, परंतु मिस्र, सीरिया, लीबिया, इराक एवं उत्तर कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पांचवा है प्रक्षेपास्त्र विरोधी संधि, तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ये 1972 में आती है। तो इसके अंतर्गत अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य समझौता हुआ, दोनों ने अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपास्त्र तकनीक तैनात न करने का निर्णय लिया। वर्तमान समय में अमेरिका ने इस संधि से स्वयं को अलग कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? तो इसका निर्माण 1984 में इराक के द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग के बाद हुआ। ऑस्ट्रेलिया समूह का निर्माण 1985 में हुआ, जिसका उद्देश्य रासायनिक और जैव हथियारों का नियंत्रण करना तथा उन देशों की पहचान करना जो इसका निर्यात करते हैं। वर्तमान समय में इसके 41 सदस्य हैं, इसमें यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य, भारत इसका सदस्य अब बन गया, याद रखिएगा। तो सामरिक हथियारों की कटौती का समझौता स्टार्ट वन ट्रीटी, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य 1985 के बाद परमाणु हथियारों की कटौती के संदर्भ में महत्वपूर्ण समझौते हुए। शीत युद्धोत्तर विश्व में वर्ष 1991 में सामरिक हथियारों की कटौती का पहला समझौता स्टार्ट वन हुआ। इसके अंतर्गत महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका ने अपने सामरिक हथियारों में 30% तक कटौती का निर्णय लिया। वर्ष 2001 तक दोनों महाशक्तियों ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को 6,000 से कम किया, जो स्वयं में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 2009 में यह संधि समाप्त हो गई। फिर मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, यह एक अनौपचारिक संधि है, यानी ये अनऑफिशियल या इनफॉर्मल संधि है, जिसमें 34 देशों के बीच स्वैच्छिक सहभागिता है, जिसका उद्देश्य प्रक्षेपास्त्रों और मानव रहित यानों की तकनीक प्रसार का नियंत्रण करना। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। संस्थापक देश कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं अमेरिका। MTCR का मूल कार्य प्रक्षेपास्त्रों का नियंत्रण करना है, लेकिन ईरान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे राज्य लगातार अपने प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार और बेहतर उनको बना रहे हैं। भारत भी इसका पार्ट बन चुका है। सामरिक हथियारों की कटौती का समझौता स्टार्ट सेकंड, तो यह समझौता भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ। इसके अंतर्गत 1992 में यह समझौता किया गया, जिसकी 8 वर्षों बाद रूसी संसद ने पुष्टि की। इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों की संख्या 3,500 के मध्य सीमित करेंगे। इन प्रयासों के अंतर्गत रासायनिक और जैविक हथियारों की कटौती का समझौता भी सम्मिलित किया जा सकता है। फिर विखंडनीय पदार्थों की कटौती का समझौता फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी FMCT 1993 में। तो विखंडित पदार्थ कटौती समझौता का प्रस्ताव यूनाइटेड राष्ट्र महासंघ में पारित किया गया। ऐसे विखंडनीय पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसका प्रयोग परमाणु हथियारों के लिए हो सकता है, लेकिन यह प्रस्ताव आज तक लागू नहीं हो पाया है। स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी शॉर्ट स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी अमेरिका एवं रूस के मध्य हथियारों को कम करने को लेकर वर्ष 2002 में यह संधि प्रारंभ हुई। वर्ष 2012 में यह संधि समाप्त हो गई। ओबामा मेदवेदेव समझौता 2010। इस समझौते के अंतर्गत अमेरिका एवं रूस ने परमाणु हथियारों की संख्या को 1500 से 1675 के बीच रखने का निर्णय लिया।
व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT 1996 में लाई गई। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। पहला, कोई भी राज्य किसी भी प्रकार से कभी भी कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। समग्र का अर्थ इसमें सभी देश सम्मिलित हैं, चाहे वो P5 ही क्यों ना हो। कोई भी देश परमाणु परीक्षण के संबंध में अन्य देशों का समर्थन नहीं करेगा। संधि लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया। CTBT को अनिश्चित काल तक के लिए लागू कर दिया गया। इस संधि के किसी भाग पर विवाद को सुलझाने का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा गया। इसमें बाध्यकारी रूप से लागू होने का प्रावधान एंट्री इनटू फोर्स क्लॉज रखा गया है, जिसके अनुसार CTBT लागू होने के 180 दिन के भीतर वे 44 राज्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे जिनके पास परमाणु अनुसंधान की क्षमता। वे देश जिन्होंने CTBT पर हस्ताक्षर किए हैं परंतु इसकी पुष्टि नहीं की है, अमेरिका, चीन, इजराइल, उत्तर कोरिया, मिस्र, ईरान ने अभी भी संधि की पुष्टि नहीं की है। भारत और पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। भारत की आपत्ति क्या है? भारत के अनुसार यह संधि केवल विकासशील देशों के परमाणु कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के लिए है, क्योंकि विकसित देशों ने कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का विकास कर लिया है, इसलिए उन्हें परमाणु परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह संधि मूलतः दहलीज पर खड़े थ्रेशोल्ड राज्यों के विरोध में निर्मित थी। इस संधि का एंट्री इन टू फोर्स क्लॉज राज्यों के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध था। इस संधि के द्वारा विकासशील देशों को तकनीक से भी वंचित करने का प्रयत्न किया गया। परमाणु प्रसार रोकने के अन्य उपाय, वो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG, इसकी स्थापना भारत के परमाणु परीक्षण के बाद की गई। इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसे लंदन क्लब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 46 सदस्य हैं। इसका प्रावधान है कि जिन देशों ने NPT संधि पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हीं को ये परमाणु ईंधन और तकनीक प्रदान करेंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो NPT पर हस्ताक्षर किए बिना भी NSG से ईंधन प्राप्त कर रहा है। भारत इसका सदस्य नहीं है। मध्यमकारी परमाणु शक्ति समझौता इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स, तो ये 1987 में होता है। यह अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य संपन्न हुआ, जिसके द्वारा दोनों ने पूर्वी यूरोपीय देशों में प्रक्षेपास्त््र तैनाती न करने का समझौता किया। मिसाइल को तैनात न करने का निर्णय कहां लिया गया है? पूर्वी यूरोपीय देशों में, यानी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। वाजिनार समूह, तो इसके साथ 1996 में हॉलैंड वाजिनार शहर में हुई। इसमें 41 सदस्य हैं। समझौते का उद्देश्य परमाणु हथियारों के निर्यात एवं दोहरे तकनीक इस्तेमाल को रोकना है। तो ये वाजिनार या वाशिनार ग्रुप है। परमाणु अप्रसार की सुरक्षा पहल, प्रोलिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इनिशिएटिव 2003। यह अमेरिका द्वारा निर्मित प्रावधान है। इसके अंतर्गत किसी भी जहाज के अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन में जांच की जा सकती है। चीन इस प्रावधान का विरोध कर रहा है। इंडोनेशिया ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध माना। परमाणु पदार्थों की सुरक्षा पर सम्मेलन 2010, तो इस सम्मेलन में परमाणु आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक सहयोग और सहभागिता पर बल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को और शक्तिशाली बनाने पर बल दिया गया। परमाणु पदार्थों जैसे प्लूटोनियम की सुरक्षा पर बल दिया गया। रेडियो एक्टिव स्रोतों को भी सुरक्षित करने पर बल दिया गया। यह सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचने से रोकना है। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। इस सम्मेलन का प्रादुर्भाव अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्ष 2009 में चेक गणराज्य के परागुए में दिए भाषण के बाद हुआ। पहला शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC में वर्ष 2010 में आयोजित हुआ। दूसरा सम्मेलन सियोल में 2012 में आयोजित हुआ। परमाणु तकनीक एवं पदार्थों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए यह सम्मेलन संपन्न किया गया। यह सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया में वर्ष 2012 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भी परमाणु हथियारों को गैर राष्ट्रीयकर्ताओं आतंकवादियों तक पहुंचने से रोकना है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स तक परमाणु हथियार हैं उनको रोकना है, इसका उद्देश्य। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2014, तो 24 से 25 मार्च 2014 तक तीसरा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड के हेग में किया गया। विश्व के 58 देशों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन में नेताओं ने आतंकवादियों के हाथ परमाणु सामग्री पहुंचने पर रोक लगाने के लिए समझौते पर सहमति जताई।
इसमें निम्नलिखित समझौता हुआ। पहला, खतरनाक परमाणु सामग्रियों की मात्रा को विश्व में कम करना। दूसरा, रेडियोधर्मी सामग्रियों की सुरक्षा बढ़ाना जिनका इस्तेमाल खतरनाक बम बनाने में किया जा सकता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं और सहयोग को बढ़ावा देना। चौथा, समझौते में अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कम संवर्धित यूरेनियम, कोबाल्ट 60, स्ट्रोंटियम 90, सीजियम 137 भी को भी शामिल किया गया है। फिर वाशिंगटन सम्मेलन 2016, इसका मूल उद्देश्य परमाणु आतंकवाद को समाप्त करना। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। परमाणु विश्वास निर्माण के उपाय, तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपायों को अपनाया गया है। पहला, महाशक्तियों के मध्य हॉटलाइन प्रारंभ। दूसरा, परमाणु अनुसंधान केंद्रों की सुरक्षा के संदर्भ में सामान्य सहयोग। तीसरा, प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण से पहले सूचना का आदान प्रदान। तीसरा, परमाणु अनुसंधान केंद्रों की सूची का आदान प्रदान। और पांचवा है नो फर्स्ट यूज का समझौता। परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाम व्यापक परमाणु अप्रसार, तो न्यूक्लियर फ्री जोन वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। तो न्यूक्लियर फ्री जोन वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में परमाणु मुक्त क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। कुछ एक महाद्वीप में यह प्रवृत्ति परमाणु अप्रसार संधि के लागू होने के पहले भी देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए टोटलको संधि के द्वारा लैटिन अमेरिका को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। टोटलको संधि के द्वारा वर्ष 1985 में रोरा टोंगा संधि के द्वारा दक्षिण प्रशांत क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 1996 में बैंकॉक संधि के द्वारा सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र को परमाणु मुक्त घोषित किया। वर्ष 1996 में पालिंडावा संधि के द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप के 48 देशों ने इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया। 1997 में बैंकॉक संधि के द्वारा आसियान देशों ने स्वयं को परमाणु मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया। वर्ष 2007 की खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में सदस्य राष्ट्रों ने खाड़ी क्षेत्र को परमाणु मुक्त घोषित करने का की मांग उठाई तथा इसराइल से अनुरोध किया गया कि वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे। भारतीय विदेश नीति में क्षेत्रीय अप्रसार की संकल्पना का समर्थन नहीं किया जाता है। भारत के अनुसार परमाणु हथियारों का व्यापक, सार्वभौमिक, समग्र और निश्चित समय में समापन होना चाहिए, इसलिए भारत ने सदैव निःशस्त्रीकरण का समर्थन किया है, परमाणु अप्रसार का नहीं। वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक समूचे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त किया जाना चाहिए। शीत युद्धोत्तर विश्व में परमाणु प्रसार का मुख्य क्षेत्र एशियाई महाद्वीप बना हुआ है। उत्तरी कोरिया ईरान का मुद्दा अभी भी कंट्रोवर्शियल है। ईरान परमाणु हथियारों की प्राप्ति का सजग प्रयास कर रहा है, जबकि दूसरी ओर विश्व में कुछ राज्यों ने परमाणु क्षमता का परित्याग भी किया है। उदाहरण के लिए 1991 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने परमाणु हथियारों को समाप्त करने की घोषणा की। वर्ष 1996 में पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत 3 राज्यों ने अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए, जिसमें बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन है। आज यूक्रेन कितना पश्चाताप कर रहा होगा, विकास न सौंपा होता। इन राज्यों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर भी किए हैं। शीत युद्धोत्तर विश्व में उत्तरी कोरिया ने वर्ष 2003 में स्वयं को एनपीटी से अलग कर लिया। वर्ष 2006 में परमाणु परीक्षण भी कर लिया। उत्तरी कोरिया ने परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए अमेरिका, रूस, जापान, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया नामक 6 देशों के मध्य वार्ता आरंभ हुई। वर्ष 2008 में उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की, परंतु 2009 में 6 देशों के मध्य चल रही वार्ता से स्वयं को अलग कर लिया। ईरान पर अभी भी सुरक्षा परिषद द्वारा आरोपित प्रतिबंध कायम है। ईरान पर यह आरोप है कि वह परमाणु हथियारों के विकास का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए एशियाई महाद्वीप में परमाणु प्रसार की समस्या सबसे गंभीर है। इसके बावजूद शीत युद्धोत्तर विश्व में परमाणु हथियारों के प्रसार में कमी हुई है, जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला, अमेरिका तथा रूस दोनों महाशक्तियां अपने सहयोगी राष्ट्रों को सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका एवं रूस दोनों के हित परमाणु प्रसार रोकने में समान है। तीसरा, क्योंकि दोनों महाशक्तियां विश्व राजनीति में अपने अन्य प्रतिस्पर्धी के उत्पन्न होने से रोकने के लिए अप्रसार का सहारा ले रही है। चौथा, 1995 में एनपीटी संधि को अनिश्चित काल तक के लिए लागू कर दिया गया, जबकि वर्ष 1996 में सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी प्रस्तावित किया गया, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। आलोचकों के अनुसार उपरोक्त मान्यता
उपयोग मानता पूर्णतः सत्य नहीं है क्योंकि परमाणु हथियारों की मात्रा में कमी हो रही है जबकि गुणात्मक रूप में इसमें वृद्धि हो रही है। तो नंबर में तो कम हो रहे हैं लेकिन क्वालिटी में ज्यादा ये इनरिच हो रहे हैं, तब इनका जो इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ेगा भले ही इनकी जो नंबर ऑफ वेपन्स है वो कम हो जाए। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1999 में अमेरिकी सीनेट ने CTBT संधि को अस्वीकृत कर दिया। अमेरिका ने वर्ष 1972 में संपन्न प्रक्षेपास्त्र विरोधी संधि यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से भी अपने आप को पृथक कर लिया। कब? 2002 में। वर्तमान समय में अमेरिका प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली के निर्माण का प्रयास कर रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी राष्ट्र परमाणु अप्रसार के संधियों को तभी स्वीकार करता है जब वह उसके सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल ना हो। शीत युद्धोत्तर विश्व में परमाणु आतंकवाद का खतरा। तो सुरक्षा की परंपरागत मान्यता के अनुसार एक राज्य को सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा दूसरे राज्य से होता है। समकालीन युग में राज्यों की सुरक्षा के लिए गैर राष्ट्रीय कर्ताओं द्वारा चुनौती उत्पन्न की जा रही है यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा चुनौती उत्पन्न की जा रही है। शीत युद्धोत्तर विश्व में अनेक भागों में निर्जाति एथनिक और जाति संघर्ष कायम है। पाकिस्तान जैसे राज्य असफल राज्य की श्रेणी में पहुंचने की कगार पर है, तो ये फेल्ड स्टेट की कैटेगरी में पहुंचने के कगार में ही है। ऐसे राज्यों में विद्यमान घातक नरसंहार के हथियार आतंकवादियों तक पहुंच सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में पहली बार यह समस्या उत्पन्न हुई कि विघटित राज्यों की परमाणु शक्ति को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, लीबिया जैसे राष्ट्रों के पास परमाणु सामग्री और प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का अवैध आदान प्रदान किया गया। इस संबंध में पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान की भूमिका महत्वपूर्ण है या जग जाहिर है। फिर विश्व में परमाणु आतंकवाद के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, परमाणु सामग्री का चोरी छिपी आदान प्रदान और परमाणु हथियारों का निर्माण जिसका प्रयोग आतंक भविष्य में आतंकवादियों द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, परमाणु अनुसंधान केंद्रों पर आतंकवादियों का संभावित हमला। फिर समकालीन विश्व में परमाणु आतंकवाद का खतरा संपूर्ण मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है, इसलिए अब अप्रसार का दायरा केवल राष्ट्र राज्यों तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इसमें गैर राज्य कार्यकर्ताओं को भी शामिल करना होगा।